हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइव। आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर हरे मूंग। देखिए, मैंने हरे मूंग को जो है हल्का सा पहले बॉईल करके रखा हुआ है, और यहाँ सिर्फ मैं देखिए प्याज काटूंगी और मतलब इसमें टमाटर की ग्रेवी भी करती है। तो मैं ये टमाटरों को सॉरी प्याज को जो है बारीक काट के इसमें हल्का सा मक्खन और तेल मिक्स करके किया है, ताकि इसमें मक्खन का भी टेस्ट आ जाए और सरसों का तेल का भी। तो मैं हल्का सा पहले इसे हल्का सा पहले ब्राउन होने दूँगी, फिर बाकी इसमें सारे मसाले डाल दिए। देखिए मेरे कितने ज़्यादा यम्मी अभी हरे मूंग बनने वाले हैं। काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा फायदेमंद होते हैं खाना। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। देखिए, अब मैं मसाला डाल दूँगी इसमें, कसूरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और एक तेज पत्ता। सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। अब जो ये मूंग मैंने देखिए जो रख रखे थे उबाल के, आप सारा मसाला जो है इसमें डाल दीजिए। क्योंकि मैं सारा मसाला जो है इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा इसमें अभी पानी भी डालूंगी। फ्रेंड्स, देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर धनिया भी डाल दूंगी, क्योंकि जितना भी मतलब जो है धनिए का फ्लेवर वो भी हमारा इसी में आ जाएगा। ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर अभी दो सीटियाँ लगवा दूँगी। देखिए, ये सब मैंने डाल दिया है। अब मैं इसका जो है ये बंद करने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए, और जो है आप इसमें 3-4 विसल्स लगा लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे हरे मूंग जो है बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरे कितने ज़्यादा यम्मी है, कलर इतना अच्छा है, तो इसका मतलब कितने ज़्यादा टेस्टी भी है। अब मैंने यहाँ पर साथ में बनाए हैं कुछ राइस, तो अब मैं राइस में यहाँ पर देखिए इसको यहाँ डाल दूँगी। ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी हैं, और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर छाछ। तो आप लोग भी मतलब इसका लंच का एंजॉय कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये हरे मूंग कैसे लगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।